Hello students, in the last video we are done with the different types of cooperative societies. Today's topic is merits and limitations of cooperative societies. Starting with its merits, first point is easy formation. When we compare it with the company form of organization, cooperative societies mein aapki legal formalities bahut hi kam hoti hain. Minimum number of members jo required hain wo hote hain 10. To koi bhi 10 adults member मिल करके आपकी cooperative societies easily start कर सकते हैं. As such यहाँ पे आपके पास कोई legal complexities नहीं होती हैं. Next point आता है limited liability. यहाँ पे किसी भी member की personal property पे कोई भी claim नहीं किया जाता है. आपके पास उन्होंने जो आपका investment किया है या उन्होंने जो भी amount guarantee किया होता है आपकी cooperative society में, वहीं तक आपके पास आपका उनकी मेंबर्स की लायबिलिटी सीमित रहती है. किसी भी पर्टिकुलर मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम वहाँ पे नहीं किया जाता है. लायबिलिटीज जो है वो आपकी लिमिटेड ही होती हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में. थर्ड पॉइंट आता है स्टेबिलिटी. किसी भी मेंबर की बैंक करप्सी होना, किसी भी मेंबर का इंसॉल्वेंट होना या किसी भी मेंबर की डेथ का आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंटिन्यूअसली चलती रहती है. फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की, वन पर्सन वन वोट, यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल ने कितना इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है उससे कोई भी मतलब नहीं होता. आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और वो है आपके पास आपका वन पर्सन वन वोट, यानी कि एक पर्सन है वो एक ही वोट कास्ट कर सकता है, उसकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैटर नहीं करेगी. नेक्स्ट है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आपके पास आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो रन करते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही रन करते हैं. एज सच आपके पास यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट पैनल या बाहर से लोगों को हायर नहीं किया जाता है. आपने ऑफिस बेयरर्स की पोस्ट पढ़ी थी कल मेरे साथ, तो वही लोग आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं और आपके पास वही सारा मैनेजमेंट के साथ डील करते हैं और वो कई बार बिना सैलरी के भी काम करते हैं और इसी वजह से आपके पास वहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी भी मेंबर को कोई ऐसा हैवी सैलरीज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं होती है. सिक्स पॉइंट आता है टैक्स एडवांटेज. आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जितनी भी इनकम्स होती हैं वो आपकी एग्जेम्प्टेड होती हैं टैक्स से. एग्जेम्प्टेड का मतलब है उनको छूट मिलती है आपके पास टैक्स से. उनको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं जमा करवाना होता है अपने रिवेन्यूज़ के ऊपर या अपनी इनकम के ऊपर. ये आपका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है टैक्स एडवांटेज आपके एज ए मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. नेक्स्ट है स्टेट पेट्रोनेज. यहाँ पे स्टेट का मतलब आपकी राज्य से नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है आपका गवर्नमेंट से. आपने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन तो है ही है, लोन भी है, प्लस आपकी गवर्नमेंट ग्रांट्स देती हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को. क्यों हेल्प करती है आपकी गवर्नमेंट? क्योंकि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं, पुअर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. इस वजह से आपके पास आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, वहाँ पे आपके पास ये ग्रांट्स इनको अवेलेबल करवाते हैं. नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट. आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में गुड्स जो हैं वो बल्क में परचेज किए जाते हैं एंड दैट टू डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द होलसेलर. तो आपके पास आपका जो जब आप डायरेक्टली परचेज करते हैं प्रोड्यूसर या होलसेलर से और बल्क क्वांटिटी परचेज करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है और वो इनडायरेक्टली बेनिफिट करती है आपके मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, क्योंकि आपके जो गुड्स हैं वो आपके रीजनेबल प्राइसेस पे फिर आपके मेंबर्स को अवेलेबल करवाए जाते हैं. चेक ऑन अदर बिजनेसेस. आपके पास जितने भी मिडल मैन हैं या आपके पास जो आपकी कॉम्पिटिशन रखते हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेसेस के साथ, वो ध्यान रखते हैं कि उनको क्वालिटी का भी इंश्योर देना है और प्राइस भी रीजनेबल चार्ज करने हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तो आज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट हुई है, कल को बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आएंगी और जब बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी तो आपके पास अल्टीमेटली उन मिडल मैन का या उन लोगों का बिजनेस
ठप हो सकता है। तो आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प करती हैं आपके चेक रखने में आपके सभी बिजनेसेस के ऊपर। और इस तरीके से कोई भी, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो आपके पास कोई भी मिडलमैन एक्सप्लोइट नहीं कर सकता है आपके कंज्यूमर्स को। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। आपका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो सभी मेंबर्स के बीच में बांट दिया जाता है। प्लस इस तरीके से करके बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो धीरे धीरे सभी मेंबर्स का वेलफेयर करना स्टार्ट कर देती हैं, और सारा का सारा फाइनेंशियल आपका कंसेंट्रेशन एक जगह ना होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होना। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर में सारे आपके पास सेंटर का रोल क्या होता है, रेडियस जो है वो सारे सेंटर से निकलते हैं। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एंड इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेविंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो जो भी अर्निंग हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, वो सभी मेंबर्स के बीच में बढ़ जाती है, एक जगह आपकी कलेक्टेड नहीं होती है। तो ये था आपके पास मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टार्टिंग विद इट्स लिमिटेशंस। सबसे पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स जो होते हैं वो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, या रिमोट एरियाज से या रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये इनकी एक खामी बन जाती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका जो कैपिटल है वो आपका एक वीकर पोर्शन बन जाता है, वहाँ पे आपके पास कमी रहती है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की सारी मैनेजमेंट आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही करते हैं, और वो हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होते हैं, और वो सारे की डिसीजंस अपने तरीके से ही लेते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वजह से आपके पास यहाँ पे लैकिंग पॉइंट आ जाता है। दूसरा, वो सैलरी भी नहीं ले रहे होते हैं, तो वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं शो करते हैं, और वो इनएफिशिएंटली सारी चीज़ों को फिर मैनेज करते हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपके वीक पॉइंट पे चली जाती है। थर्ड पॉइंट है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग बेनिफिट भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो आपके पास एक लिमिटेशन भी है। बेनिफिट इसलिए है कि बैड डेट्स नहीं होंगे आपके पास। बैड डेट्स आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में, बट ये डिसएडवांटेज है क्योंकि आपके मेंबर्स जितने भी हैं वो आपके फाइनेंशियली रिच नहीं होते हैं, उनके पास हर वक्त कैश अवेलेबल नहीं होता, उनको ज़रूरत होती है सामान को उधार पे खरीदने की, और उनके पास अगर कैश होगा नहीं तो वो सामान खरीद नहीं पाएंगे, और उधार में कोऑपरेटिव सोसाइटीज देंगी नहीं। तो ये आपके लिमिटेशन की तरह काम करेगी आपके यहाँ पे कैश ट्रेडिंग। फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए कई बार क्या होता है, सरकार जब ग्रांट्स देती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि जो तुम्हारी मैनेजिंग कमेटी है उसमें हमारे भी मेंबर्स आएंगे शामिल होने के लिए, और आपके पास विद द ईच पासिंग गवर्नमेंट नए नए मेंबर्स आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड होते जाएंगे, और आपके पास वो फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देंगे, पॉलिटिकल गेम्स खेलना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपकी मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर मैं आपके पास, आप अच्छा पढ़ रहे हो पर मैं आपको अप्रेज ही नहीं करूं, तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, यार मैम तो हमारी तारीफ ही नहीं करती है, मैम तो हमें मार्क्स ही नहीं देती है, या मैम तो कभी कि मैम के मुंह से तो आज तक हमने अपने लिए अच्छे वर्ड्स नहीं सुने, तो आप मेरी तरफ से कट ऑफ होना शुरू हो जाओगे, आपको इतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बट अगर मैं आपकी कंटिन्यूसली तारीफ करती रहूँ आपके एफर्ट्स के लिए, तो आपको मोटिवेशन मिलता है, यस हमें और अच्छा करना है। तो सेम वे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के लिए होता है, उनको ना तो कोई सैलरी मिलती है, ना कोई उनको अप्रेजल मिलता है काम करने के लिए, और इस तरीके से वो धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से कट ऑफ होना स्टार्ट कर देते हैं कि अल्टीमेटली हमारे लिए यहाँ पे कोई बेनिफिट का पॉइंट नहीं है और हमें यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, और धीरे 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 वो मोटिवेशन की कमी वहाँ पे आ जाती है। सिक्स पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके पास आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिमिटेशंस को देखते हुए, कि आपके पास पब्लिक का इतना ट्रस्ट नहीं आता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, और वो एक वीक पॉइंट बन जाता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पब्लिक वहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाती है। उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी।
आपके जैसे आपके रजिस्ट्रार के पास आपके अकाउंट्स जा रहे हैं सबमिट होने, तो वहां से कोई भी आपके डिटेल्स को निकलवा सकता है। इस वजह से यहाँ पे लैक ऑफ सिक्रेसी का पॉइंट आ जाता है, वहां पे फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाते क्योंकि रजिस्ट्रार से फिर कोई भी एक्सेस कर सकता है। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, आपस में झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं मेंबर्स में, क्योंकि आपके पास वहां पे एक तो कोई मोटिवेशन का सोर्स नहीं बचता, प्लस आपके पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाती है, और कई बार आपस में क्लैशेस हो जाते हैं विद इन द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है आपके झगड़ों को। बट अगर हम ऑल द होल कंपेयर करें आपके मेरिट्स और लिमिटेशंस को, तो अगर हम मेरिट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए अगर हम काम करें, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया जाता है। आपके इंडिया में इफको के नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़े लेवल पे रन हो रहा है, तो छोटा हो चाहे बड़े लेवल पे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अच्छे से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हमने मेरिट्स और लिमिटेशंस को ध्यान रखा है। तो यहाँ तक हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियोज में हम स्टार्ट करेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।